आज मैं ना इडली बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं कैसे इडली बनाती हूँ। ये मैंने चावल भिगोए हैं, मतलब अभी मैंने जस्ट धो के इडली वाला चावल लाया था मैंने मार्केट से। ये देखिए ऐसा होता है, छोटा छोटा और थोड़े मोटे मोटे साइज में होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। और ये है उड़द की दाल, ठीक है। इसका रेशियो बताना था मुझे, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने इस ग्लास से, ये देखिए अपना नॉर्मल एक ग्लास ले लेना है, कटोरी लेना है, जैसे आपको जिससे बनाना है उससे। इस ग्लास से मैंने 3 ग्लास चावल लिया है, ये 3 ग्लास भर के इसको मैंने धो के भिगो दिया है, ठीक है। और इसी ग्लास से मैंने ये 1 कप चावल, 1 ग्लास दाल लिया है, उड़द की दाल है ये। ये देखिए आप पास से, उड़द ये ना उड़द की दाल है सफेद धुली हुई, और ये चावल है, इडली के चावल है, मैंने बारीक बारीक लिए। आपको फोकस दिख रहा है कि नहीं? हाँ देखिए अभी दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे मोटे मोटे इडली के दाल चावल है ये। मैंने इससे ना 3 ग्लास, ये 1 ग्लास, ऐसा 3 ग्लास चावल भिगोया है, और सेम 1 ग्लास मैंने इसमें दाल भिगोई है, उड़द की दाल, ठीक है। अब मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही थी इसका, परफेक्ट। ये देखिए एक कलछी, ये एक कलछी है, ये मेरी कलछी है, एक कलछी में इसमें पोहा डाल दूंगी, ठीक है, ताकि इससे ना वो सॉफ्ट बनता है इडली। और इसमें देखिए एक स्पून नहीं है, ये चम्मच है छोटा सा अपना, उससे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना उसको दाल में भिगोना है, ताकि ये दाल है ना एकदम अच्छे से स्मूथली घिस जाए। और अभी देखिए ये एक ही कलछी मैंने, पहले मैंने पोहा लिया था, एक ही कलछी मैंने इसमें साबुदाना लिया है, ठीक है। हम चावल को वापस, मतलब जब पीसेंगे ना तब इसको धो सकते हैं, लेकिन दाल को हमें नहीं धोना है, इसीलिए हमें चावल में ही धो के पोहा और ये साबुदाना मैंने इसी में भिगा दिया, क्योंकि मैं जब पीसूंगी ना तब फिर पीस इसको धो दूंगी, बट दाल को हमें नहीं धोना है, इसलिए मैंने मेथी दाना दाल में भिगोया है। दाल में पीस भी जाता है स्मूथली, ये एकदम से पता भी नहीं चलता। और मेथी दाना इसलिए इडली में डाला जाता है ताकि ना हम ना बस एक गैस ना बने, क्योंकि उड़द की दाल में गैस बनाती है। और इसको जो फाइनल मेरे को पानी यूज करना था ना पीने वाला, वही पानी में मैंने इसको भिगो दिया है, ठीक है। मैं पीस के अभी आपको दिखाऊंगी। जी देखिए आपको मैंने बोला था ना साबुदाना और चावल, ये देखिए वो भीग के एकदम फूल चुका है, और ये दोपहर को मैंने 12 बजे भिगाया था, और अभी मैं पीसने जा रही हूँ, 8:30 बज रहा है रात के। अब मैं इसको पीस लूंगी, अच्छे से धुल के मैंने रख लिया, अब इसको पीसूंगी। और ये है उड़द की दाल, मेथी का दाना मैंने जो भिगाया था साथ में, ये भी एकदम अच्छे से फूल चुका है। अब इसको भी मैं, ये देखिए टूटने पे तोड़ रहा, अब मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ दोनों को। ये देखिए उड़द की दाल है, मैं इसको पीसने जा रही हूँ, और मेरा चावल तो पिस चुका हुआ है, ये देखिए चावल पिस चुका है, और मैं इसी में रखती हूँ ताकि ना ये जितना भी वो निकलता है ना, तो अगर इसमें इसमें रखने से क्या होता है, निकलता नहीं है बाहर, मतलब भगोने वगैरह में रखेंगे तो निकल जाता है, बट इसमें से निकलता नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा इसी में पीस के रखती हूँ ताकि ये निकले ना डब्बे में। ये मेरा 5 किलो का डब्बा है, ये मेरा उड़द का दाल जो मैंने डालने के लिए रखा था उसमें इडली में, ये मेरा पिस चुका है और बहुत ही अच्छे से पिसा है। ये देखिए आप कितना अच्छे से पिसा है, बहुत अच्छे से एकदम बारीक पिस चुका है। अब मैं इसको ना इडली बनाऊंगी ना जब, फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया। और इसमें हम पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे अभी, ये मतलब ज्यादा तो नहीं फूलेगा क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है ना इसके लिए। अब इसको ना हमें अच्छे से फेंटना है और नमक नहीं डालना है इसको, अच्छे से हमें इसको ऐसे फेंट के रख देना है। अब मैं आपको सुबह जब मैं डब्बा खोलूंगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कितना ये फूला है। अभी देखिए इसका इसका यहाँ तक है, ये फ्लावर तक है, ये निशान तक, ये निशान तक है ये। अब सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठूंगी ना तो शायद यहाँ तक होगा, ये फूल का बहुत है, तो ये बाहर ना निकले, गर्मियों में तो ये बाहर भी आ जाता है, इसीलिए मैं इस बड़े वाले डब्बे में बनाती हूँ। और स्कूल लंच टिफिन में बना के इस बैटर को आप फ्रिज में रख दीजिए बिना नमक डाले, जब भी आपको बनाना हो तो उसको निकाल के उसमें नमक मिला के फिर उसके बाद बनाइए आप, ये 8 से 10 दिन तक आराम से चलता है ये बैटर मेरा, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। अब ये 2-4 दिन आराम से चलेगा, क्योंकि छुट्टी आ जाएगी ना सैटरडे संडे, तो फिर उसमें खत्म हो जाएगा ये, बट स्कूल के लिए बहुत अच्छा है ये बैटर। और मैं कल आपको इसका इडली बना के डोसा बना के आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा बनता है।
और ये ठंडी में फूलता नहीं है ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए रहता है, मैं हमेशा यही करती हूँ, ठंडी में नहीं फूलता है ना ये, इसलिए मैं क्या करती हूँ, विक्स विक्स ये विक्स ये विक्स ये लेती हूँ, और इससे ना विक्स ऐसे ऐसे कर देती हूँ, मत देती हूँ बहुत अच्छे से ही, जैसे हम दही बड़ा बनाते हैं होली में, तो फूलने के लिए उसको फुलाने के लिए फूल फूल जाए अच्छे से, इसके लिए हम लोग वो यूज ऐसे करते हैं ना, फेंटते हैं ऐसे इसको बहुत ज्यादा, 5 मिनट तक फेंट लो, जब तक ये दाल और चावल एकदम मिक्स ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, ऐसे करके 5 मिनट के लिए फेंट लो, ऐसे फेंटने के बाद ना इसके ऊपर ना देखो बबल ज्यादा स्टार्ट हो गए, बबल सारा मतलब ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा सुबह, फिर मैं आपको सुबह दिखाती हूँ कितना अच्छे से फुला है। ये देखिए मेरा बैटर, रात को मैंने रख दिया था पीस के, अब ये इतना फुला हुआ है, एक घन बना चुकी हूँ मैं, बच्चों को टिफिन दे चुकी हूँ, और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सुबह सुबह बहुत लेट हो रहा था, इसलिए देखिए इसकी इडली बनी हुई है, एकदम सॉफ्ट बनती है इडली, ये देखिए एकदम, आप तोड़ के देखेंगे ना तो भी आपको पता चलेगा, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, आप लोग भी इस तरीके से इडली बनाइए, खाइए, और मुझे रेसिपी जरूर शेयर कीजिए आप लोग कैसे बनाते हैं, और ये मैंने चटनी बनाई थी, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी दे दूंगी, बहुत बेस्ट चटनी होती है, मेरे घर परिवार हर किसी को ये चटनी फेवरेट है, आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी जरूर दूंगी आप लोगों को, ये सुबह सुबह मैंने झटपट में बनाई थी, आप लोगों को भी बताऊंगी कैसे बनाया। ये देखिए मेरा इडली और चटनी टमाटर की बनके रेडी हो गई है खाने के लिए, आप लोग भी आइए खाने के लिए हमारे यहाँ पे, ये देखिए, और इसी बैटर से मैं और भी रेसिपी बनाऊंगी, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी।